डिस्कस किया है किडनी फेलियर और व्हाट एल्स वी कवर्ड, लाइक यू नो बैकबोन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइनल प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्लिप डिस्क, और हमने कवर किया है लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, और लिवर वाला हमने क्लास किया, और एक हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और हमने अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, ऑटिज्म इस पे क्लास किया है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं। लास्ट क्लास हमारी गॉल ब्लैडर पे थी, तो गॉल ब्लैडर किडनी पे हम कवरेज कर चुके हैं, है ना, हार्ट पे भी कर चुके हैं, लंग्स पे भी कर चुके हैं, ब्रेन रिलेटेड ब्रेन हैमरेज, ब्रेन रिलेटेड और अगर कोई एक्सीडेंट मतलब ब्रेन रिलेटेड कुछ है तो, ठीक है, स्कल रिलेटेड तो वो भी कर चुके हैं, ओके, स्ट्रोक भी कर चुके हैं। अब हम जो करेंगे वो करेंगे हम पाइल्स, फिस्टुला और फिशर। तो बेसिकली ये क्या है, दीज दे ऑल आर कैरेक्टराइज एज अ एनल डिसऑर्डर, ठीक है। वन ऑफ द कॉज क्या होता है ये प्रॉब्लम होने का, एक हो सकता है मतलब आपके स्टमक की फंक्शनैलिटी, जिसके अंदर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, है ना, कोलन की बात करते हैं, तो जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर दीज प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस में रहने से भी ये प्रॉब्लम होती है, स्पाइसी फूड खाने से और अल्कोहल लेने से, कोई भी ऐसे यू नो बेवरेजेस लेने से भी जो कि किसी भी तरीके का यू नो बॉडी में एसिड करें तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो बाउल मूवमेंट में जब ये चीज़ें ना एक कंट्रीब्यूटर, एक फैक्टर है ये प्रॉब्लम करने में, ठीक है। तो स्ट्रेस, स्पाइसी फूड, ड्रिंक्स, और ये कभी कभी ना मतलब इनहेरिट भी, मतलब आप कर लेते हो, ऐसे जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है, राइट। तो बेसिकली क्या है, देखो इसके अंदर जैसे पाइल्स आप देख रहे हो, फिस्तुला और फिशर देख रहे हो, तो थोड़ा इसके अंदर ना कोई भी ये जानना जरूर चाहेगा कि स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो स्टमक रिलेटेड में जैसे अल्सराइटिव कोलाइटिस है, तो और जिसको हम पाइल्स को हेमरॉइड्स भी बोलते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है ना उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हावेवर मतलब दोनों डिफरेंट हैं, बट आपको थोड़ा सा ये देखना आना चाहिए कि ये कैटेगरी अल्सराइटिव कोलाइटिस की है ना, या मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो बेसिकली अल्सराइटिव कोलाइटिस क्या है, एक इन्फ्लेमेशन बाउल डिसीज है जिसको हम आईबीडी भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हो सकती है, कोलन में, रेक्टम में, और दोनों जगह पर भी ये इन्फ्लेमेशन अगर हो तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है, देखो मेडिकल टर्म ना अगर आप बुक्स पढ़ोगे मेडिकल, तो इन्फ्लेमेशन वर्ड बहुत बार बार आएगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी शरीर में अगर होगी तो उसको, यानी स्वेलिंग कहीं भी होगी तो उसको इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। लिवर पे है इन्फ्लेमेशन तो वो भी वहां पे स्वेलिंग की बात हो रही है, पैनक्रियाज में है वो भी, हम क्या बात कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं अगर वहां पे भी स्वेलिंग है। तो किसी भी तरीके की अगर जीआई ट्रैक्ट में अगर स्वेलिंग है तो हम उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से अल्सर हो सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, कहीं पर भी जिसे बोलते हैं गुड बैक्टीरिया के, मतलब उस जो गुड बैक्टीरिया है उसका प्रोडक्शन या उसका जो माइक्रोबायोम बोलते हैं वो, उसमें कमी आना, और बैड जो बैक्टीरिया है अगर वो ज़्यादा बनते हैं, तो बेसिकली ये सब जीआई ट्रैक्ट में इंटेस्टाइन वाला जो रोल है उसके अंदर आता है। तो हमको ये सेपरेट करना सीखना है, तो हम देखेंगे कि हम इसको अलावा एक सेपरेट क्लास भी करेंगे इस पे, ठीक है, इसके बाद। तो बेसिकली क्या है, ये तीन कैटेगरी हैं पाइल्स, फिस्टुला और फिशर की। तो पाइल्स ये तब भी हो सकता है जब कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पे पस हो सकता है, ठीक है, बॉल मोमेंट्स में जब दिक्कत आएगी, पेन होगा, स्किन टैगिंग होगी किसी भी तरीके की, वहाँ पे एक्स्ट्रा अगर वहाँ पे किसी तरीके का म्यूकस है या स्किन है तो वो फिशर कहलाएगा। फिस्टुला भी ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर थिंग। फिस्टुला में क्या होता है, थोड़ा उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, वो अंदर एक पस के रूप में पहले
डिवेलप होने शुरू होता है एनस के अराउंड, और उससे थोड़ा सा वो दूर भी हो सकता है, कभी कभी वो थोड़ा जो होता है ना वो थाइस के पास भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जब डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो बताते हैं कि ये भाई फिस्तुला है, ठीक है। तो उसको बेसिकली क्या होता है, उसको लेज़र या किसी भी तरीके से उसको निकाला जाता है, ओके। तो अब हम जब बात करते हैं कि ये कैसे होगी प्रॉब्लम, तो ये क्रॉनिक जब कॉन्स्टिपेशन है ना, आपका लाइफ स्टाइल में, आपका फूड लाइफ स्टाइल क्या है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वन ऑफ द कॉज ऑफ द पाइल्स इज व्हेन देर इज अ टू मच स्ट्रेन, व्हेन समवन गो फॉर अ टॉयलेट एंड यू नो एंड इफ ही फील्स दैट ही हैज टू पुट अप अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, देन इट मे डिवेलप इन टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड हेमेरॉइड्स और पाइल्स, ठीक है। और ये डायरिया की वजह से भी हो सकता है, तो डायरिया जब होगा तो बहुत फ्रिक्वेंटली जो है आपको बाउल मूवमेंट होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे किसी ना किसी तरीके की जो है इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो वो स्प्रेड होने से वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है और वो फिर डिवेलप फाइनली एक एक जिसे बोलते हैं पाइल्स में, जिसमें ब्लड आता है उसमें वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ये इन्फेक्शन के रूप से भी हो सकती है, जैसे कि कोई सी वायरस या बैक्टीरिया से, फूड पॉइजनिंग से। इसको क्रोन डिसीज भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, इसका एक दूसरा जो नाम है मतलब अल्सराइटिव कोलाइटिस या कोलाइटिस की जब बात करते हैं तो इंटरचेंजेबली कभी कभी इसको मेडिकल टर्म में क्रोन डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जो कि इंटेस्टाइन यानी कि इसको हम कोलन कह रहे हैं उसको और रेक्टम को ये इफेक्ट करती है। तो इससे क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगी या रेक्टल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो इससे क्या, तो पस बनना, ब्लड आना है ना, रेक्टल ब्लीडिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना और किसी भी तरीके की वेट लॉस होना है ना, ब्लड लॉस भी होना, इसकी मतलब अगर ब्लड लॉस भी होगा, इस प्रॉब्लम से ब्लड लॉस भी होता है, ठीक है। तो और फिर उसमें फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थकावट महसूस करना। तो कोलन और जो जिसको हम इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ GI ट्रैक्ट, तो इसमें किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और कोलन का जो काम है, जो इंटेस्टाइन का, इसका काम ही यही होता है कि न्यूट्रिएंट्स को जो है ना एब्जॉर्व करना है ना, और बेसिकली गुड बैक्टीरिया को वहाँ पे प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो अल्सराइटिव कोलाइटिस इज़ ए इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, तो इस पे हम कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट क्लास भी कर लें। तो जिनको अल्सराइटिव कोलाइटिस होगा तो उनको हेमराइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप सिंपल इसको अगर आप देखोगे ना पाइल्स या रेक्टम फिस्टुला के इशू को सेपरेटली, तो समझ में नहीं आएगा ना मेडिकली ना एस्ट्रोलॉजिकली, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका रूट कॉज क्या है। तो रूट कॉज जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही प्रॉब्लम होती है बेसिकली, वहीं से आपको पकड़नी पड़ेगी। अगर तब इसको पकड़ पाओगे आप तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। अगर डायरेक्टली देखोगे बिना रूट कॉज के तो आपको समझने में इसको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की, इसको कैसे देखते हैं, क्या इसके रूल्स हैं वो हम समझेंगे, इसके कर्सेस के बारे में समझेंगे और वो कर्स किस वजह से मैनिफेस्ट होता है, ऐसा क्या किया होगा है ना, तो वो हमें देखना आना चाहिए। तो इससे इजी होगा, मतलब मेडिकल कर्सेस देखने के लिए इट इज़ वन ऑफ द इजिएस्ट वे विच आई हैव डिवेलप। तो ईजीली आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। तो जब हम DNA में जाएंगे तो आपको इजीली मतलब आपको ये पता चलेगा कि मुझे एज अ सोल्यूशन क्या देना है। तो एस्ट्रोलॉजिकली आपको कॉज भी समझ में आएगा और उसका बेसिकली क्या है, उसको इन्वेस्टिगेट भी करना आएगा और फिर उसको आपका जो है परिष्कार या निदान करना भी आपको आएगा।